Hi guys, I hope you all are doing good. This is me, Preeksha Rana, and welcome to my YouTube channel. आज है छोटी दिवाली और धनतेरस भी आज ही है. सो मेरा मन था कि मैं मंदिर जाके आऊँ और आज मैं अपने घर के पास वाले मंदिर जाने वाली हूँ. इतना भी पास नहीं है बट ये सब आपको पता लग जाएगा. वो एक शक्तिपीठ है एंड ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे पार्वती माँ का कपाल गिरा था. सो मैं आज आपको वहाँ लेके चल रही हूँ. लेट्स गो. गाइस, अब मैं निकल चुकी हूँ मंदिर की तरफ अपने घर के रास्ते से. एंड एज यू कैन सी, छोटी छोटी शॉप्स में कितनी सुंदर सजावट हुई है. आज दिवाली का त्यौहार है तो सब लोग बहुत अच्छी सजावट करते हैं. मुझे लेफ्ट टर्न लेना है. सो गाइस, ये है वो रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर को. वैसे तो मैं मेन रोड से भी बहुत बार गई हूँ बट आई ऑलवेज प्रेफर गोइंग फ्रॉम दिस रोड बिकॉज यहाँ ट्रैफिक कम होती है और बहुत शांत सा एरिया है. एंड गाइस, अगर आप इस रास्ते से सुबह के टाइम आओ तो इतना ज़्यादा पीसफुल लगता है यहाँ. मन करता है बस यहीं बैठी रहूँ. और जब भी मुझे कोई कोलैबोरेशन शूट करना होता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ अपेक्षा के साथ, क्योंकि यहाँ क्राउड नहीं होता है इसलिए इजीली शूट भी हो जाता है. एंड गाइस, इस बार की दिवाली बहुत ही स्पेशल है. वो चीज़ मैं जल्द ही रिवील करूँगी अपने आने वाले व्लॉग्स में. तब तक आप लोग गेस करो कि वो स्पेशल चीज़ क्या है, मुझे कॉमेंट्स में बताओ. सो गाइस, मैं जितने भी बार यहाँ आती हूँ मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं बहुत बार आ चुकी हूँ. हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ न्यू देख रही हूँ. यही तो इस प्लेस की खासियत है कि हर बार आप जब भी आओ आपको सुकून मिलेगा, आपको कुछ नया महसूस होगा. लाइक मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, ये सब आपको खुद आकर महसूस करना होगा. आप ज़रूर आइएगा इस प्लेस में. अभी तो फ़िलहाल मैं रोड पे ही हूँ, आगे लेके जाऊँगी आपको. तो या आई लेट यू नो द प्लेस ऑल्सो. एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं टी गार्डन भी जाके आऊँ. सो चलिए, अब मैं ड्राइव करती हूँ एंड अब चलते हैं. गाइस, अब मंदिर थोड़ा ही दूर रह गया है और यहाँ से मुझे ड्राइव करते करते बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. अब आप बोलोगे मौसम तो अच्छा लग रहा है, धूप भी है. जी हाँ, बिल्कुल धूप तो है बट आफ्टर ऑल इट्स हिमाचल ना. एंड यहाँ धूप होने के बावजूद भी आपको ठंड का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इस वक्त मैं कर रही हूँ. तो ये हम पहुंच गए कुणाल पथरी माता. अब आपको मैं अंदर कर, शायद अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है बट यहाँ बाहर से आप देख सकते हो. तो
ये घर ले जाने में। हाँ जी, घर ले जाने। माता रानी को चढ़ा सकते हैं? हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा पंडित जी को बोलना थोड़ा सा चढ़ा लेना। तो बात की कितने और? 100 चाचा पूजा करा के आते हैं अभी चले ने मंदिर के बाहर आ चुकी हूँ। प्रसाद भी ले लिया,
टीका भी लगा लिया एंड अब शायद मैं रुकूँ आगे और टी गार्डन में, आपको टी गार्डन दिखाऊंगी, तो दर्शन हो गए। नाउ लेट्स गो। दर्शन तो हो गए और बहुत ही अच्छे हुए एंड बस आप सबको हैप्पी दिवाली, भगवान आप सबको बहुत हेल्दी, बहुत खुश रखे, आपके परिवार में सब लोग पीसफुल रहें, खुश रहें, शांति बहुत ज़रूरी है, सुख भी बहुत ज़रूरी है, आप सब सुकून की ज़िंदगी जिएं और खुशियां बांटें एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। ये सारा ना पार्किंग लॉट है आई थिंक इस साइड ना, यहाँ पे लोगों ने अपनी बाइक्स भी पार्क की हुई हैं और नीचे बहुत प्यारा सा रोड है। मुझे लग रहा है मैं शिमला पहुँच गई हूँ। आठ दस साल पहले जब यहाँ पे मैं आई थी ना, तो यहाँ पे एक आंटी होते थे, बूढ़े से आंटी, एंड वो प्रसाद देते थे। सो आज जब मैं प्रसाद ले रही थी ना, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी, बिकॉज मैं जब भी उनके पास जाती थी वो बहुत ही काइंड, इतने प्यारे और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते थे मुझे। सो या आई वाज मिसिंग हर टुडे। गाइस मेरे दर्शन हो चुके हैं, अब मैं आप सबको लेके चल रही हूँ टी गार्डन, तो चलो चलते हैं। वाओ गाइस, जस्ट लुक एट द माउंटेन्स, दे लुक सो ब्यूटीफुल एंड आगे आने वाला व्यू तो और भी ज़्यादा सुंदर है। लो जी पहुंच गए हम टी गार्डन, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली आज अपेक्षा की तबीयत ठीक नहीं है, बट शी स्टिल मैनेजिंग टू शूट मी, सो थैंक यू सो मच अपेक्षा। मैंने रील शूट कर लिया है, अब मुझे लग रहा है बहुत टाइम हो रहा है, तो मुझे घर भी निकलना चाहिए, इसलिए मुझे भूख भी बहुत लग रही है, सो आई एम गोना हैव समथिंग, टिल देन बाय। एक्सक्यूज मी दीदी, ये रोड कहाँ को जा रहा है? धर्मशाला को जाएगा? हाँ जी ठीक है जी, थैंक यू।
अंकल ने यहाँ पे पहाड़ी सॉन्ग्स लगाए हैं। अंकल जी, हाँ जी, क्या क्या रखा है आपने? मैगी है, ब्रेड ऑमलेट है, मोमोज। ओके, मोमोज भी है? मोमोज है। ठीक है, एक मैगी कर दो, एक मैगी कर दो और एक चाय। गाइस, यू नो व्हाट, इस प्लेस पे ना बहुत सारे बंदर भी हैं। लाइक मैंने अभी अंकल को पूछा, अंकल यहाँ पे बंदर नहीं आते क्या? तो कहते हैं आ जाते हैं। थोड़ा सा डेंजरस लगता है मुझे कि ऑब्वियसली रोड पे बिल्कुल साथ में स्टॉल है इनका एंड हमारे सामने ही बंदर है। एज यू कैन सी, आपको दिख रहे भी होंगे, मैं बहुत सारा जूम नहीं कर पा रही, गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं। मुझे इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करना था जो कि मैंने सोचा था। प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब मेरी बैटरी ख़त्म होने को आ गई है। ऐसो आई कॉल बंदर। चाय की रही है? हाँ जी, मैगी टाइम। पहाड़ों वाली मैगी का तो मजा ही कुछ और होता है। अंकल जी, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, ये जगह कौन सी है बता दो सबको, ताकि आपको सारे आए आपके यहाँ पे पास में खाना खाने, जो भी आप बनाते हो। यस, को है जी। हाँ जी, चांदनी होटल के पास। यहाँ पे मोमोज बनाते हैं, बर्गर भी बनाते हैं, चीज बर्गर, वेज बर्गर, और मैगी तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, और चाय तो बहुत अच्छी थी अंकल। चाय, कॉफी भी है, मैगी भी है, ब्रेड ऑमलेट भी है। तो जिसको भी खाना है प्लीज कम हियर, ये बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत टेस्टी था। थैंक यू गाइज। एज आई टोल्ड, मेरी बैटरी बहुत कम है, तो अब तो बस ऑलमोस्ट जाने वाला है, फ़ोन डेड होने वाला है। तो उससे पहले मैंने सोचा आप सबको बाय कर दूँ। ऑल आई वॉन्ट टू से, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट, एंड मुझे आइडियाज देते रहो मैं क्या ब्लॉग करूँ नेक्स्ट। और फिलहाल के लिए हैप्पी दिवाली, और ये ब्लॉग तो दिवाली के बाद ही आएगा, बट हैप्पी दिवाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप ब्लेसिंग। बाय बाय।